नमस्कार जोहार, स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। सीजीएल को लेकर के हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे, कोई मतलब है नहीं अभी उसके बारे में चर्चा करने का। बिल्कुल फंसा के रखा है छात्रों को आयोग ने और सरकार ने। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सरकार ने नियम को चेंज करके इसमें सिंगल एग्ज़ाम कर दिया, और वो सिंगल एग्ज़ाम होना छात्रों के लिए सबसे बड़ा लालच का कारण बन रहा है। वो दूसरे एग्ज़ाम की तरफ फोकस कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। उनको लग रहा है कि एक ही एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देना है और उसके बाद इतनी अच्छी नौकरी मिलने वाली है, तो इस चक्कर में दूसरे बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन छूट जा रहे हैं और ये सबके साथ हो रहा है। अब सरकार को इससे तो कोई मतलब है नहीं, आप सबको पता है कि ये जो गठबंधन की सरकार है, ये चाहे किसी राज्य में हो या फिर ये केंद्र में आएगी, इनका सबसे प्राइम फोकस रहता है करप्शन पे। जितना ज़्यादा हो सके लूट लो, जितना ज़्यादा हो सके पैसा जमा कर लो, क्योंकि पैसा ही आगे काम आता है, ठीक है। आगे जब चुनाव होगा, बाकी चीज़ें होंगी, हर जगह पैसा काम आएगा। झारखंड में आपको कुछ उदाहरण तो मिला ही था, एक साहू जी पकड़ाए थे आपके राज्यसभा वाले, ठीक है ना। आलमगीर आलम तो अभी रिसेंट में एग्जाम्पल है ही। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, झारखंड के जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं 80% मान करके चलिए करप्ट ही हैं। वो तो कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अगर सब पे जांच हो तो हर कोई आपको यहाँ धन्ना सेठ मिलेगा जो कि आईएएस है। तो बहुत ही विकट समस्या है, इसीलिए एक मजबूत सरकार झारखंड में कम से कम चाहिए। लेकिन कौन समझाए, ठीक है। अब मैं बोलूँगा तो लोग मुझे भाजपा का एजेंट बताएंगे, कुछ लोग संघी बोलेंगे, तो ठीक है। आप लोगों को सही लग रहा है राज्य जैसे चल रहा है, अगर आप उसमें खुश हैं तो फिर मैं भी खुश हूँ, कोई मतलब है नहीं। ये वीडियो बनाने का मतलब है कि एक सीट है झारखंड में खूंटी, जिसको लेकर के सबसे अधिक चर्चाएं हैं कि भाजपा वो सीट हार सकती है। और ख़ुद मैंने भी बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट किया, मेरे चैनल के जितने सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से 18 लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है जो कि खूंटी से बिलोंग करते हैं। 18 में से 17 लोग ऐसे थे जो कह रहे थे स्पष्ट तरीके से कि भाजपा वहाँ पर हार रही है, और सिर्फ एक व्यक्ति था जो ये बोल रहा था कि भाजपा अपनी सीट खूंटी से निकाल लेगी, अर्जुन मुंडा जीत जाएंगे, भले ही मार्जिन बहुत कम होगा लेकिन सीट निकल रहा है। अब निकल रहा है या फिर फंस रहा है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन एक सीट गले की फांस बनी है भाजपा के लिए। बाकी राजमहल की सीट जो पिछली बार ये लोग हार गए थे, इस बार चूंकि वहाँ पे लोबिन हेम्ब्रम भी खड़े हो गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो जेएमएम का वोट ही वहाँ पे काटेंगे, अगर ऐसा होता है तो वहाँ से भाजपा निकल जाएगी, ठीक है। और बाकी जितनी भी सीटें हैं, देखिए सबका अपना अपना तर्क है, बहुत सारे लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन बाकी जितनी भी सीटें हैं मुझे कहीं पे कोई कॉन्टेस्ट दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ पे भाजपा आसानी से निकलने वाली है। कोडरमा में भी भाजपा बहुत क्लियरली निकलने वाली है। खुद वहाँ के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों से मेरी बात हुई है और वो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को बोल रहे हैं। आज से 5 दिन 6 दिन पहले उनका कुछ और कहना था, लेकिन अब वो ये बात कबूल कर रहे हैं कि निकल जाएगी भाजपा। कारण क्या है कि पैसा बटा है, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जीत का। और बाकी जितनी सीटें आप सब देख ही रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि 2 सीट हारेगा, कोई 3 सीट 4 सीट, बाकी वो तो देखा जाएगा, लेकिन एक सीट जो कि जेन्युइनली लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो है खूंटी का सीट। बहुत बड़ी बात है कि एक मंत्री अगर हारते हैं, ठीक है, वो भी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, साथ ही साथ अभी कृषि मंत्री भी हैं। अब उस क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया नहीं किया है उसकी जानकारी बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं है, ठीक है ना, और शायद अगर काम किए होते तो ये नौबत नहीं आता। बाकी देखते हैं 4 जून को क्या होता है। सीजीएल को लेकर के एक डिटेल वीडियो कल या परसों हम अपलोड करेंगे, ठीक है ना। जो भी कैंडिडेट हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर होगा कि अभी आप लोग कोर्ट की तरफ फोकस करें, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो, ठीक है, कोर्ट वाला एग्ज़ाम का तैयारी करिए। और फिलहाल चुनाव होने दीजिए, आप लोग जानते हैं कि इस देश में चुनाव के आगे दूसरी किसी भी चीज़ को तरजीह नहीं दी जाती है, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट हो। जब तक ये लोग चुनाव नहीं करा लेंगे तब तक बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है, ठीक है ना। एक बार सरकार बन जाए उसके बाद फिर लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे ही, और झारखंड में चुनाव आने ही वाला है विधानसभा का, उसमें लोग अपना गुस्सा अपना एंगर जो भी होगा वो निकालेंगे, देखा जाएगा। बाकी जितने भी जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं
जिनको इस राज्य की हकीकत पता है परीक्षाओं को लेकर के, उनको भी सैल्यूट है कि आप लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, ठीक है, कम से कम फीडबैक सरकार को दीजिए कि छात्रों के मन में कितना ज़्यादा पीड़ा है, कितना परेशानी है, और वो छात्र जिन्होंने इस सरकार को बहुत सपोर्ट किया था आज वो कितना ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो इस तरह का फीडबैक मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल कटी हुई है इस चीज़ से, या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको पता है कि लोग जाएंगे कहाँ, जो उनके कोर वोटर्स हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो, आदिवासी हो या फिर क्रिश्चियंस हो, ठीक है, जो कोर वोटर्स हैं जेएमएम और गठबंधन की, उनको पता है ये जाएंगे कहाँ, वोट तो हमें करेंगे, ठीक है ना, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो। तो ये एक बहुत बड़ा एज दे देता है उन लोगों को काम नहीं करने के लिए। बाकी आप लोग विचार करिए, आप लोग भी सब बुद्धिजीवी हैं, देखते हैं बहुत जल्द एक नई सरकार या फिर उसी सरकार के साथ कंटिन्यू किया जाएगा, बहुत जल्द इसके बारे में पता चलने वाला है। एग्ज़िट पोल पे बहुत ज़्यादा बिलीव मैं नहीं करूँगा, मैं 4 तारीख का ही वेट करूँगा। बाकी आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो करिए, जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं करिए, बाकी देखते हैं झारखंड में क्या होता है आगे, देखने वाली बात होगी। तकली टेक केयर, गुड बाय।